गुड मॉर्निंग एवरीवन, लिसन केयरफुली। हमें लास्ट लेसन में देखा था कि केयर ऑफ द बॉडी लेसन्स के हमारे कुछ एक्टिविटीज़ बाकी थी, वो आज हम कंप्लीट करवा लेंगे। वो आपको होमवर्क के लिए हेल्प हो जाएगी। आज हमने लेसन लर्न किया था व फूड एंड व रैबिट्स, ओके। तो उसके जो क्वेश्चन स्ट्रक्चर हो गए नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, लेकिन हमारे रिमेनिंग CW एंड HW कंप्लीट करते हैं, क्लास वर्क एंड होमवर्क, ओके। इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, द आंसर द फॉलोइंग इन वर्ड, ओके। आंसर द फॉलोइंग इन द वर्ड, हाउ शुड वी सीट अवर वॉक। हमने किस प्रकार से, वन सेंटेंस में आंसर देना है, एक एक इसमें वर्ड पे आपको राइट में यहाँ पे प्रॉपर राइट लिखना है। तो प्रश्न है, हाउ शुड वी सीट अवर वॉक, हमने बैठते समय किस प्रकार से बैठना चाहिए या किस प्रकार से चलना चाहिए। तो वी स्टैंड प्रॉपरली स्ट्रेट, क्या स्ट्रेट मतलब पूरा सीधा, हैबिट्स होनी चाहिए, जैसे STRAIGHT स्ट्रेट, यानी पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। क्योंकि क्यों होता है, हम बेंड जब हो जाएंगे तो हमारे जो बैक पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, बैक पेन की वजह से हमारी नेक का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमारी जो बोन्स है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए हम लोगों ने स्ट्रेट चलना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। वेयर शुड वी गो टू गेट फ्रेश एयर, देखिए अभी ज़्यादा सिटियों में प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें फ्रेश एयर नहीं मिल सकती, तो हमें फ्रेश एयर में हम कहाँ किस प्रकार से यहाँ जाना चाहिए, कि वहाँ पे हमें बहुत सारे पेड्स हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, उसकी जो पेड्स में जो ऑक्सीजन मिलता है उससे हमें फ्रेश एयर मिलती है। तो वेयर शुड, तो हम कहाँ जा सकते हैं, गार्डन्स, GARDENS, गार्डन, क्यों क्योंकि वहाँ अच्छे तरीके से बहुत सारे अच्छे पेड़ होते हैं, उसका ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वहाँ ज़्यादा होता है, तो हमें उसका बेनिफिट होता है कि हम ऑक्सीजन इस प्रकार ज़्यादा से अच्छा ले सकें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से, व्हाट शुड वी डू टू कीप अवर बॉडी हेल्थी एंड फिट, देखिए तो हमारी बॉडी अच्छे तरीके से फिट और अच्छी रहने के लिए, आरोग्यदायी रहने के लिए क्या कर सकते हैं, या हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी अच्छी तरीके से फिट और क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी अच्छी तरीके से नहीं सकते, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, इसका बेनिफिट हमें हो सकता है। एक्सरसाइज करके हम EXERCIS एक्सरसाइज वायम करने से हमारी बॉडी हेल्थी और उसने जो हमारा जो खाना गिरा होता है डाइजेस्ट हो सकता है, हमारे बोन स्टमक अच्छे तरीके से हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, स्टेट विच गेम्स आर इंडोर गेम्स एंड विच गेम्स आर आउटडोर गेम्स। अभी यहाँ पे कुछ गेम्स के पिक्चर्स दिए हैं, गेम्स के नाम भी पता है, लाइक द फर्स्ट पिक्चर्स चेस, पिक्चर क्रिकेट, थर्ड पिक्चर कैरम एंड फोर्थ फुटबॉल, ओके। तो हमें इसमें क्या आइडेंटिफिकेट करना है कि कौन सा गेम इंडोर है, यानी जो हम हॉल में खेल सकते हैं या घर में खेल सकते हैं हॉल में तरीके से, या ऐसे कोई गेम कि हम इसे मैदान यानी प्लेग्राउंड में ही खेल सकते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट पिक्चर इंडोर, इंडोर ये हो जाए चेस, हम घर में खेल सकते हैं, हॉल में खेल सकते हैं, कैरम में खेल सकते हैं, अच्छे तरीके से प्ले में इंडोर गेम्स इसे खेल सकते हैं। तो इंडोर जैसे यहाँ पे आंसर आएगा, दिस पिक्चर्स आउटडोर बाहर खेलने के लिए, जैसे क्रिकेट का प्लेग्राउंड होता है। सेकंड है इंडोर, ये देखिए इंडोर, कैरम हम घर में खेल सकते हैं, फुटबॉल यानी हमें आउटडोर, आउटडोर गेम भी हम बाहर खेल सकते हैं। तो लिसन केयरफुली, आप लोगों को समझ में आ गया, ये पार्ट्स ऑफ EVS का है, ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपके पास नहीं है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके इसलिए हम ये प्रैक्टिस के लिए देते हैं। ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम जो क्वेश्चन पेपर निकालते हैं तो उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है बच्चों की, वो लिख नहीं पाते, तो इसके लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसके लिए आप लोगों को हेल्प हो जाती है। क्योंकि लेसन में तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर्स लेने की हैबिट्स होनी चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, इसके लिए आपको इसकी हेल्प हो सकती है। ये जनरल टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको फर्स्ट सेकंड या इसमें आपको यूज हो सकते हैं, यानी ये जनरल है। EVS यानी इन्वायरमेंट स्टडी, आपके परिसर के अभ्यास में आपको जानकारी होना जरूरी है, ओके चिल्ड्रंस, लिसन केयरफुली।
आपको समझ में यहाँ पे हो गया, ये लेसन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से रीराइट करना है। ओके बाय, टेक केयर।